सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उसने दंडवत करके उन्हें नमस्कार किया। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। नहीं, हम नगर के चौक में ही रात बिताएंगे। परंतु लूत उन्हें मनाता रहा और वे उसके साथ घर चले गए और उसने उनके लिए भोजन पकाया और अखमीरी रोटी बनाई और उन्होंने खाई। लूत के अतिथियों के सोने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। हे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद कर दिया। रुको, हे मेरे भाइयों, कृपया ऐसी बुराई मत करो। देखो, मेरी दो बेटियां हैं जो अभी तक किसी पुरुष के संग नहीं रही हैं। मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता हूँ और तुमको जैसा अच्छा लगे उनके साथ वैसा करो, पर इन पुरुषों से कुछ मत करो क्योंकि ये मेरे घर में मेरे मेहमान हैं। पीछे हट जा। तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया था, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम तेरे साथ उनसे भी अधिक बुरा करेंगे। तब उन्होंने लूट को घेर लिया और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए, परंतु घर के भीतर बैठे स्वर्गदूतों ने लूत को घर में खींच लिया और द्वार बंद कर दिया और उन्होंने द्वार पर खड़े पुरुषों को अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि यहोवा ने हमें इस नगर को सत्यानाश करने के लिए भेजा है। और लूत बाहर गया और अपने दामादों से, जो उसकी बेटियों से विवाह करने पर थे, कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने वाला है। परंतु उनके दामादों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही सुबह हुई, स्वर्गदूतों ने लूत से आग्रह किया, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के साथ नाश हो जाएगा। पर लूत विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। अपना प्राण बचाने के लिए भाग जा, पीछे मुड़कर मत देखना और तराई में कहीं मत ठहरना, बचकर पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, कृपया ऐसा ना कर, तूने मेरे प्राण को बचाकर अपने दास पर बड़ा अनुग्रह दिखाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वो छोटा नगर निकट है, मुझे वही जाकर बच जाने दे। मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है, मैं उस नगर को नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। लूत के सूअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। परंतु लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर देखा। उसने देखा कि उस देश में से धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उन मैदानी नगरों को नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया।
लूत सुअर में रहने से डरता था, इसीलिए वह पहाड़ों पर चला गया और अपनी दोनों बेटियों के साथ एक गुफा में रहने लगा। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। आओ हम अपने पिता को दाख मधु से मतवाला करें, तब हम उसके साथ सोएं। इस प्रकार से हम अपने पिता के वंश को बचाए रखेंगे। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई। लूत को पता नहीं चला कि वह कब लेटी और कब उठ गई। उन्होंने अगले दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई। लूत को पता नहीं चला कि वह कब लेटी और कब उठ गई। बड़ी बेटी ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम मुआब रखा। वह मुआबियों का मूल पिता हुआ। छोटी ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का मूल पिता हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। उत्पत्ति 19 वचन 24 से 26 और 29।